हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर टॉपिक। और आज की टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के जितने भी कांड्स हैं उसे आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो हिंदी है, हिंदी के सेंटेंस हैं, उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के सेंटेंस आते हैं? तो ऐसे सेंटेंस जिसे ये पता चले कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो भी पास्ट में, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम आगे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हम जान जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। ओके, आपको तो पता ही होगा कि वर्ब टू किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं उसे। फर्स्ट एग्जांपल है मैंने खाया या खाया था। इसे क्या पता चल रहा है कि खाने का काम कब हुआ? पास्ट में हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे, यानी वर्ब टू यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इससे पढ़ने से पहले चलिए पढ़ लेते हैं ये नोट क्या लिखा है। मैंने खाया या मैंने खाया था, दोनों का जो अनुवाद है वो आई एट ही होगा। कुछ लोग मैंने खाया था का अनुवाद आई हैड ईटन बना देते हैं, जो कि गलत है। वे गलती से इसकी क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं? अब देखिए, आई हैड ईटन, ये क्या है ना, हैड कब यूज़ होता है? पास्ट के भी पास्ट में यूज़ होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो जो काम है वो पास्ट में तो हुआ, लेकिन उस वो जो पास्ट में होने वाला जो काम है वो ज़्यादा बहुत पहले नहीं हुआ है। पास्ट में हुआ है लेकिन बहुत पहले नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब बहुत पहले का जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग हैड यूज़ करेंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है सीता गई या सीता गई थी। इसका इंग्लिश क्या होगा, सीता वेंट। सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, और उसके साथ हमने वर्ब टू यूज़ किया है। ओके, वेंट, सीता वेंट। बच्चे गए, द चिल्ड्रेन वेंट। आग लगी, अ फायर ब्रॉक आउट। ओके, ब्रेक से ब्रॉक होगा। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। वह मेरे पास आया, ही केम टू मी। सीता ने रोटी खाई, सीता एट ब्रेड। उसने एक पक्षी मारा था, ही किल्ड अ बर्ड। राम ने मुझे एक पुस्तक दी, राम गेव मी अ बुक। राम ने सुग्रीव की मदद की थी, राम हेल्प्ड सुग्रीव। मोहन पटना गया था, मोहन वेंट टू पटना। उसने मुझे गाली दी थी, ही अब्यूज्ड मी। उसने एक चिट्ठी लिखी थी, ही रोट अ लेटर। उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प द पुअर। दशरथ अयोध्या में राज करते थे, दशरथ रेन इन अयोध्या। यहाँ पर हमने क्या देखा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब टू इस्तेमाल किया है, और वर्ब टू हमेशा कहाँ यूज़ होता है, पास्ट के लिए यूज़ होता है। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कोई बात कहना चाहते हैं, जैसे कि मैं खेला था, तो आई प्लेड। ओके, ऐसे होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा है सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट या डिडेंट दें, और तब वर्ब का मूल रूप, वर्ब का मूल रूप। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस की बनावट होती है। कैसे होती है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद डिड नॉट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब वन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने वर्ब वन यूज़ किया है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया था, वर्ब टू यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था हमने, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। उसने नहीं खाया था, ही डिड नॉट ईट, ये भी है। ओके, चाहे आप उसने नहीं खाया बोलो, चाहे आप ये बोलो उसने नहीं खाया था, दोनों की इंग्लिश क्या होगी, ही डिड नॉट ईट। अब हमने यहाँ पर वर्ब वन यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब टू इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने एक पास्ट वर्ड, जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट का, वो हमने यूज़ किया है डिड। ये डिड हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होता है। अगर ये इस सेंटेंस में एक वर्ड पास्ट का आ चुका है, तो इसलिए हम लोग वर्ब टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, डिड क्या है, एक पास्ट वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट वर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ब टू यूज़ नहीं करेंगे। ओके, जहाँ पर डिड यूज़ हो वहाँ पर वर्ब का वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वी वन यूज़ होता है। नेक्स्ट है मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड।
तुमने नहीं खाया था, यू डिड नॉट ईट। लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉयज़ डिड नॉट गो टू स्कूल। उन लोगों ने कोशिश नहीं की, दे डिड नॉट ट्राई। वे मेरी मदद करना नहीं चाहते थे, दे डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प मी। तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, यू डिड नॉट वॉन्ट टू किल हिम। यानी कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, तो हम लोग वर्ब जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम लोग डिड यूज़ करेंगे और नॉट यूज़ करेंगे, डिड नॉट, ओके। और वर्ब वन हमेशा यूज़ करेंगे। डिड नॉट ईट, नहीं खाया था। डिड नॉट रीड, नहीं पढ़ा था। डिड नॉट ईट, नहीं खाया था। डिड नॉट गो, नहीं गया था। डिड नॉट ट्राई, कोशिश नहीं की थी। डिड नॉट वॉन्ट, नहीं चाहता था। टू हेल्प, मदद करना। डिड नॉट वॉन्ट टू किल, मारना नहीं चाहता था। तो इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं, ओके। देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को पता है कि ऐसा सेंटेंस जिसे हमें ये पता चले कि वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि वाक्य यानी कि जो सेंटेंस है क्या से शुरू हो, तो जो सेंटेंस है वाक्य का अनुवाद ट्रांसलेशन किस में होगा, ट्रांसलेट किस में होगा, वो डिड से शुरू होगा वो, ओके। ध्यान रहे कि डिड वाक्य में आने पर वी वन का ही प्रयोग होगा। मैंने पहले भी कहा था कि जिस सेंटेंस में डिड आ जाए तो उसके साथ हम लोग वर्ब वन का ही यूज़ करेंगे, अर्थात वाक्य का स्ट्रक्चर होगा। अब ये किस तरह से लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या होगा वाक्य का सेंटेंस का, तो पहले डिड यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन यूज़ करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर वी वन। अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इस तरह से यूज़ हम लोग करेंगे, ओके। अब दूसरा है डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, डिडेंट होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो सेंटेंस है। क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। डिड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हेल्पिंग, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जब वो सेंटेंस के पहले ही यूज़ हो, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस किस में बदल जाता है, क्वेश्चन में बदल जाता है। तो क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज़ गो टू स्कूल। और इसके साथ डिड के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का कौन फॉर्म यूज़ करेंगे, कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, तो वी वन यूज़ करेंगे। क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई। क्या राम के पिता ने राम को पीटा, डिड राम्स फादर बीट राम। क्या मोहन पढ़ना चाहता था, डिड मोहन वॉन्ट टू रीड। क्या मोहन ने ये काम नहीं करना चाहा, डिड मोहन नॉट वॉन्ट टू डू दिस वर्क। क्या तुमने गाली नहीं दी थी, या क्या तुमने गाली नहीं दी, डिड यू नॉट अब्यूज़। और या फिर ऐसे कह सकते हैं, डिडेंट यू अब्यूज़, ओके। तो ये थे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। अब चलते हैं, हम जान लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। एक और इसका नेम है, वो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरह के सेंटेंस को कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जिसे ये पता चले कि कोई पास्ट में काम हुआ और वो कंटिन्यू हो रहा था, ओके। तो इस तरह के सेंटेंस की किस कैटेगरी में आते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ओके। तो चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम सब्जेक्ट के साथ वॉज या वेयर और उसके साथ वी प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग वॉज यूज़ करेंगे, और जो प्लूरल होगा उसके साथ हम लोग वेयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं उसे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा है। पहला है मैं खा रहा था, तो इसे कैसे बनाएंगे, आई वॉज ईटिंग। आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई के साथ क्या यूज़ होगा, वॉज यूज़ होगा, ठीक है। उसके साथ हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आई एन जी हम लोग ऐड करेंगे। तो आई वॉज ईटिंग, हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग, तुम लोग अपना काम कर रहे थे, यू वर डूइंग योर वर्क, आप रो रहे थे, यू वर वीपिंग, सीता खेल रही थी, सीता वॉज प्लेइंग, राम और श्याम पटना जा रहे थे, राम एंड श्याम वर गोइंग टू पटना, लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज वर रनिंग, राम अपने भाई को पीट रहा था, राम वॉज बीटिंग हिज ब्रदर, गायें चर रही थी, द काउज वर ग्रेजिंग, राम प्रतीक्षा कर रहा था, राम वॉज वेटिंग, वो गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग।
इससे क्या पता चला कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग वॉज यूज़ करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे, लेकिन यू के साथ हमेशा हम लोग वर ही यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर्ब यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद नॉट यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब प्लस आईएनजी। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। कुत्ते नहीं भूख रहे थे, द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, द बर्ड्स वर नॉट ट्विटरिंग। मैं नहीं झगड़ रहा था, आई वॉज नॉट क्वारलिंग। वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे, दे वर डूइंग नथिंग, या फिर इसे कह सकते हैं दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो है वॉज अ वर्ब, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले वॉज वर्ब यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग। क्या राम पढ़ रहा था, वॉज राम रीडिंग। क्या बच्चे सो रहे थे, वर द चिल्ड्रन स्लीपिंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, वॉज आई नॉट रीडिंग, या फिर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं वॉज एंट आई रीडिंग। वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉज एंट। क्या लड़के हो हल्ला नहीं कर रहे थे, वर द बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज। ओके, ये थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब चलते हैं हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह के सेंटेंस आते हैं इस कैटेगरी में, तो ऐसे सेंटेंस जिसे ये पता चले कि वो काम पास्ट के भी पास्ट में हो चुका है। ओके, यानी बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैड यूज़ करेंगे, फिर वी थ्री का यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, और हैड जो है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, ये सभी पर्सन में, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी पर्सन में यूज़ किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंस है। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। अब देखिए, पुलिस आने के पहले, पुलिस गई लेकिन उससे पहले ही चोर भाग चुका था, यानी वो बहुत पहले ही ये काम हो चुका है। ओके, द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। बात समझ में आ रही है कि पुलिस के आने के पहले, यानी पुलिस गई उससे पहले चोर भाग चुका था, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे इसे, कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। वेन आई रीच्ड स्कूल द बेल हैड गोन। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब वे गए तो सूर्यास्त हो चुका था। वेन दे लेफ्ट द सन हैड सेट। जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। वेन वी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। अब हम देख लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद प्लस नॉट, उसके बाद प्लस वी थ्री। ओके, अगर हम हैड नॉट को शॉर्ट करके लिखें तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैडेंट यूज़ करेंगे, लिखेंगे हैड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म होता है, उसके बाद हम लोग वी थ्री यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल्स है। इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। वह बचपन से ही सत्यवादी नहीं था। ही हैड नॉट बीन ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड। मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग हैड यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग वी थ्री यूज़ करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर उसके बाद वी थ्री यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या उस
उसने पहले ही अपना सबक पूरा कर लिया था? हैड ही ऑलरेडी कम्प्लीटेड हिज टास्क? क्या तुम इसके पूर्व कश्मीर नहीं गए थे? हैड यू नॉट विजिटेड कश्मीर बिफोर? क्या महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी नहीं थे? हैडेंट महात्मा गांधी बीन ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड? क्या वह सेना में वर्षों से नहीं था? हैड ही नॉट बीन इन द आर्मी फॉर ईयर्स? या इसे हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, हैडेंट ही बीन इन द आर्मी फॉर ईयर्स? क्या वह 2005 ईस्वी से बीमार नहीं थी? हैडेंट शी बीन इल सिंस 2005? तो ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे ये पता चलता है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो कुछ देर तक जारी रहा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसमें हम लोग हैड बीन यूज़ करते हैं और साथ में हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। पहला है, मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग। वे लोग सोते रहे थे, दे हैड बीन स्लीपिंग। मैं दो वर्षों से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर टू ईयर्स। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो उसमें हम लोग सब में हैड बीन यूज़ करेंगे। हैड बीन रनिंग, दौड़ता रहा था। हैड बीन स्लीपिंग, सोते रहे थे। हैड बीन रीडिंग, पढ़ता रहा था। हैड बीन रनिंग, दौड़ते रहे थे। ओके, अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड प्लस नॉट यूज़ करेंगे, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब में आईएनजी यूज़ करेंगे। इसी तरह से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उनका स्ट्रक्चर होगा हैड के साथ हम लोग सबसे पहले हम लोग हैड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉट यूज़ करेंगे। अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे, फिर प्लस बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हम लोग इसे अगर हैड नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, हैडेंट, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस बीन, उसके बाद हम लोग प्लस करके वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब में आईएनजी ऐड करके हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं, यू हैडेंट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, यू हैड नेवर बीन रीडिंग। क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2005 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहे थे, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। तो ये थे कुछ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो आज हमने पास्ट टेंस के जो काइंड्स हैं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में हमने जाना है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में भी हमने जाना है, और इसका जो सेंटेंस है किस तरह से हम लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं ये भी हमने सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।